हेलो दोस्तों, आज हम BPCS 188 एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी के सेकंड चैप्टर रोल एंड फंक्शन ऑफ अप्लाइड सोशल साइकोलॉजिस्ट ये डिस्कस करेंगे। इसमें मेनली हम साइकोलॉजिस्ट जो अप्लाइड सोशल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके रोल को डिस्कस करेंगे, क्या होता है अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी एंड इट्स रिलेशन विद अदर साइंस। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई आप तो ये चीज़ समझ गए हो कि अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी होता क्या है और इसके रोल क्या होते हैं दूसरे साइंस के साथ, और जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हो जाता है इसको हम अप्लाइड सोशल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। अब रोल हम देखते हैं इसमें कि 2.3.1 रोल ऑफ अप्लाइड सोशल साइकोलॉजिस्ट क्या है। द मेन फोकस ऑफ द अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी इज़ टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन बींग। सोशल प्रॉब्लम ह्यूमन बींग के सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही इनका मेन जो काम होता है वो होता है। तो और विद द हेल्प ऑफ इंटरवेंशन, ठीक है ना, तो इंटरवेंशन के मदद से सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करना यही इनका काम है, ठीक है ना। और जो ये करते हैं उनको हम सोशल साइकोलॉजिस्ट अप्लाइड सोशल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। देयर रोल इज़ टू एग्जामिन द फैक्टर, इनका यह रोल है, ठीक है ना, मतलब उनके रोल में उन फैक्टर को एग्जामिन करना है। ये जो रोल है इनका, इसमें उन फैक्टरों को एग्जामिन करना है जो एक बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एक बिहेवियर को प्रभावित कर सकते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड एप्रोप्रिएट टेक्निक का जो एनालिसिस है वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अलग अलग मतलब जो तरीके यूज़ करना है उसका विश्लेषण भी कर सकते हैं जो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो तरीके यूज़ करने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में यही कहा है इसने। उसके बाद ये कह रहा है कि द अप्लाइड सोशल साइकोलॉजिस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ट्रीट, तो सोशल साइकोलॉजिस्ट कोशिश करते हैं बिहेवियरल इशू को, इंडिविजुअल के बिहेवियरल इशू को ट्रीट करने में और समझने में, ठीक है, इन अ सोशल इन्वायरमेंट में बाय अप्लाइंग थ्योरीज एंड मेथड ऑफ सोशल साइकोलॉजी। सोशल इन्वायरमेंट में थ्योरी को अप्लाई करके या मेथड जो है सोशल साइकोलॉजी में उसका यूज़ करके, ठीक है ना, उसका अप्लाई करके ये क्या करते हैं कि अंडरस्टैंड समझने में और ट्रीट करने में इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं इंडिविजुअल के बिहेवियरल इशू को। दे अटेम्प्ट टू कंबाइन द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एनी सोशल इशू। तो ये क्या करते हैं कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं किसी भी सोशल इशू को समझने के लिए। दे इवन अडॉप्ट एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू देयर वर्क, और ये क्या करते हैं कि अपने काम में या अपने काम के लिए ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ठीक है, दृष्टिकोण का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, अपने काम में या अपने काम के लिए, और जिसमें ये इकोनॉमिक, ठीक है ना, सोशियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल अप्रोच इन सब को शामिल करते हैं, ठीक है। तो अपने काम के लिए ये जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं सोशल इशू के प्रॉब्लम को समझने और उसे सॉल्व करने में, और ये इन सब चीज़ों का, ठीक है ना, यूज़ करते हैं। दे इवन अडोप्ट, अपने काम में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाते हैं और इसमें इकोनॉमिक सोशियोलॉजिकल और पॉलिटिकल प्रोस्पेक्टिव दृष्टिकोण भी शामिल होते हैं। उसके बाद द अप्लाइड सोशल साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट रिसर्च इन एन अनप्रिडिक्टेबल एंड अनरिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट। तो अनप्रिडिक्टेबल एंड अनरिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट में काम करते हैं, रिसर्च उस इसी टाइप के इन्वायरमेंट में कंडक्ट करते हैं, ठीक है ना।
जिसमें कोई बाधा ना हो, और अनप्रिडिक्टेबल जिसको मतलब जो प्रिडिक्ट पहले से ही प्रिडिक्ट ना हो। उसके बाद विद एन एम टू डिवाइज स्ट्रेटजी द अप्लाइड सोशल साइकोलॉजिस्ट आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन स्टडिंग वेरियस एजुकेशनल प्रोग्राम लिस्ट। तो अलग अलग प्रकार के जो एजुकेशनल प्रोग्राम होते हैं, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी, इन्वायरमेंट एंड हेल्थ केयर इशू, ठीक है ना, इन सब इनकी स्टडी में क्या है, ये सब शामिल होता है, ठीक है। तो विद एन एम टू डिवाइज स्ट्रेटजी द अप्लाइड सोशल साइकोलॉजिस्ट आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन स्टडिंग वेरियस एजुकेशनल प्रोग्राम। तो ये अलग अलग प्रकार के एजुकेशनल प्रोग्राम को स्टडी करने में इन्वॉल्व होते हैं, और इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी को स्टडी करने में, इन्वायरमेंटल हेल्थ केयर इशू को स्टडी करने में, ठीक है ना, जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म को स्टडी करने में, एंड ऑल्सो मीडिया रिलेटेड एक्टिविटीज लाइक कैंपेनिंग, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिएक्शन, इन सब को स्टडी करने में ये इन्वॉल्व होते हैं। और दे कंडक्ट रिसर्च फॉर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉपरेट। आए समझ में? तो ये सब ये है इसमें। तो कंडक्ट रिसर्च फॉर एकेडमिक के लिए, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉरपोरेट के लिए रिसर्च कंडक्ट करते हैं, ठीक है।